वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आईटी वर्ल्ड मुश्ताक कंप्यूटर चैनल में। दोस्तों, डीटीपी की टॉपिक चल रहे हैं और इसमें आज हम सीखने वाले हैं कि डेस्कटॉप प्रकाशन क्या होता है, डेस्कटॉप प्रकाशन का यूज क्या है, कहां कहां पर डीटीपी का यूज है। आज हम उसके विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जानना चाहेंगे। इससे पहले की वीडियोज में हमने बहुत कुछ सीखा कि ऑफसेट प्रिंटिंग क्या है, खास करके मेन क्वेश्चन वही है जो आपको अच्छे से याद करना है। आप कोई दूसरा वीडियो टॉपिक याद करो या ना करो, पर ऑफसेट प्रिंटिंग क्या है उसको अच्छे से याद ज़रूर कर लेना दोस्तों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, डेस्कटॉप प्रकाशन का उपयोग। तो ये इसकी यूज़ क्या है, अभी तक आप लोगों ने एमएस वर्ड यूज किया फर्स्ट सेमेस्टर में, तो एमएस वर्ड का क्या यूज है, जो यूज एमएस वर्ड का है वही यूज इसका है, ठीक है ना। चलिए पढ़ते हैं। तो पाठ तैयार करना, क्रिएटिंग टेक्स्ट, इस चरण में सामान्यतः किसी वर्ड प्रोसेस द्वारा पाठ सामग्री तैयार की जाती है, जिसमें टाइप करना, प्रूफ देखना कि हमने टाइपिंग सही की है कि नहीं, स्पेलिंग चेक करना, एडिटिंग करना, उन्हें सही करना, ऐसे काम शामिल होते हैं। और डीटीपी का उपयोग करने के लिए जो इसके स्टेप्स हैं वो ऐसे ही हैं, जिसमें क्रिएटिंग इलस्ट्रेशन, चित्र बनाना, पेज की डिजाइनिंग करना और मेकिंग पेज द पेज, मतलब डिजाइनिंग करने के बाद पेज को बनाना भी, पेज को डिजाइन करना मतलब हो गया कि पेज हमें किस टाइप का चाहिए, ओरिएंटेशन क्या चाहिए, साइज क्या चाहिए, है ना, डिजाइनिंग में आ गया और तैयार करने में पेज को बनाना आ गया, टाइपिंग करना वगैरह आ गया उस पेज के अंदर। इसके बाद प्रकाशन को छापना, प्रिंट करना और फाइनलाइज द पब्लिकेशन, उसको अंतिम रूप देना। इतने काम किए जाते हैं, इतने डेस्कटॉप के यूजेज हैं, यानी कि डीटीपी का यूज करना है तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़ेंगे। तो इसमें पांच स्टेप्स बताए हैं मैंने, सिंपल से स्टेप्स हैं। पहला स्टेप्स है चित्र तैयार करना, यानी कि आप जब कोई चित्र यूज करेंगे फाइल के अंदर तो उस चित्र को पहले से बना लीजिए। तो यह कार्य जो होता है सामान्यतः दो प्रकार से किया जाता है, या तो किसी ग्राफिक सॉफ्टवेयर के द्वारा आवश्यक चित्र बना लिया जाए, तो आप ड्राइंग करके चित्र बना लो, एक तरीका तो ये है, या फिर पहले से ही कोई चित्र बना हुआ है उस चित्र को आप स्कैन करके कैमरे से खींच के या किसी भी अन्य माध्यम से इंटरनेट से डाउनलोड करके कुछ भी करके कंप्यूटर में ले लीजिए। और इस विधि में स्कैनर की भी क्षमता का इस्तेमाल किया सकता है कि मन स्कैनर जब स्कैन कर रहे हैं इमेज को तो स्कैन करके इमेज कैसी होगी, ये भी ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रेजोल्यूशन वाली इमेज हो, अच्छी हो, क्लियर दिखाई दे रही हो। आवश्यकता के अनुसार इन दोनों विधियों का प्रयोग करके हम चित्रों को पेज में अपने कंप्यूटर में डाल सकते हैं दोस्तों, और फिर अपने पेज में ले सकते हैं। अगली स्टेप है पेज को डिजाइन करना, इस चरण में प्रत्येक पेज का खाका, मतलब हो गया खांचा, उसका स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है। इसमें पेज की लंबाई, चौड़ाई, चारों ओर कितना मार्जिन छोड़ना है, मार्जिन वाला सेट करना, कटर सेट करना, ऐसे सारे कार्य इसमें किए जाएंगे और जे किसी भी डीटीपी सॉफ्टवेयर द्वारा कर सकते हैं। डीटीपी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं ये भी मैं पिछले वीडियो में सिखा चुका हूँ, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि डीटीपी के सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं या डीटीपी पैकेज कौन कौन से होते हैं। इसमें आप विभिन्न प्रकार की डिज़ाइन भी कर सकते हैं, ये गलत लग गया ना, डिज़ाइनें मिल्टा में कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसमें काम कर सकते हैं। नंबर थर्ड स्टेप है पेज को तैयार करना, इस चरण का सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाग होता है, महत्वपूर्ण काम इसी में होता है, वास्तव में यही डीटीपी का मुख्य चरण है। इसी में समस्त तैयार की गई सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट में अच्छी तरह लगाया जाता है। इसी स्टेप में हम पेज टाइप करते हैं, इसी स्टेप में चित्र को सेट करते हैं, कहाँ चित्र लगाना है, किस आकार में लगाना है, किस आकार में टाइपिंग करनी है,
इसमें पाठ के फॉन्ट का आकार, चित्र के आकार के बारे में सही सही से निर्णय लिया जाता है और इन्हें इस प्रकार लगाया जाता है कि प्रत्येक पेज अधिक अधिक सुंदर लगे, मतलब बहुत अधिक सुंदर लगे और उपयोगी बने। डीटीपी सॉफ्टवेयर द्वारा ऐसा करना बहुत सरल है क्योंकि इसमें आप अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर किसी भी पेज को, उसके ऊपर किसी प्रकार को टेक्स्ट का इफेक्ट डाल सकते हैं, है ना, और ये भी देख सकते हैं कि कौन सा फॉन्ट सबसे अच्छा लग रहा है, तो उसको अप्लाई करने से पहले देख सकते हैं कि कौन सा प्रकार सबसे अच्छा रहेगा और इसके बाद उसे हम अपने टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हुए तीन स्टेप्स। चौथा स्टेप है वो भी इम्पोर्टेंट है। वो क्या स्टेप है? वो है प्रकाशन को छापना। आपने टाइप कर लिया, अब उसे छापेंगे। तो इस चरण में इलेक्ट्रॉनिक रूप से तैयार किए गए प्रकाशन के सभी पेजों को किसी भी लेयर प्रिंटर से छाप सकते हैं अपन, है ना। इस चरण में परंपरागत विधि और डीटीपी विधि में अंतर साफ मालूम पड़ता है कि परंपरागत प्रकाशन में सामग्री भौतिक रूप से पहले ही छपी हुई उपलब्ध होती है। यानी कि अगर आप डीटीपी का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो आपको पहले सब चीजें छापना पड़ेंगे, पेंटिंग वेंटिंग करके जो भी करके, तो बता रहे हैं क्योंकि क्या अंतर मालूम पड़ रहा है, क्योंकि परंपरागत प्रकाशन में सामग्री भौतिक रूप से पहले ही छपी हुई उपलब्ध होती है, जबकि डीटीपी में सामग्री सबसे बाद में छापी जाती है, पहले बना लिया जाता है उसके बाद छापा जाता है। और परंपरागत में क्या होता है, पहले बना हुआ होगा आपके पास, उसके बाद वो देख देख करके बना लेगा सामने वाला। एक अपन प्रिंटर के पास गए और प्रिंटर से बोला कि भाई हमको एक प्रकाशन के लिए बैनर बनवाना है, तो उसको पहले बना के देंगे कागज पर कुछ इस टाइप का चाहिए, इस टाइप का, तो वैसा बनाएगा, डिजाइन कर देगा, ये लीजिए बना दिया। अब बाद में आप कोई एडिटिंग भी नहीं कर सकते, लेकिन डीटीपी में आप अपने हिसाब से पहले बना लो, चेंजिंग भी कर लो, उसके बाद छापो, छापने का काम बाद में होगा। तो परंपरागत मतलब बिना डीटीपी के काम करना और डीटीपी में काम करने में दोनों में डिफरेंस हो गया कि सिंपल तरीके से देखा जाए तो परंपरागत तरीके में पहले प्रिंट छपा हुआ मैटर होता है, उसको अपन प्रकाशन में यूज करते हैं, और डीटीपी में छपी हुई चीज बाद में आती है, पहले उसे बनाया जाता है। पांचवा स्टेप है प्रकाशन के अंतिम उसे रूप देना। तो इस चरण में प्रकाशित डॉक्यूमेंट को एक बार पुनः भली भांति देख लिया जाता है, जो छाप के आ गया उसको देख लिया कि हाँ भाई सही छपा हुआ है, कोई गलती नहीं है, कहीं पर कोई गलती लगती है तो सही कर लेता हूँ उसे अपन। तो उसे देख कर उसके खाके और सामग्री में यंत्र तंत्र संशोधन किए जाते हैं, यानी उसकी सामग्री को चेक करके उसमें बदलाव भी कर सकते हैं। तो मैं सामग्री में संशोधन किए जाते हैं और अंतिम बार छापकर वह उसकी प्रति जो होती है उस कॉपी को ऑफसेट छपने के लिए दे दिया जाता है कि एक कॉपी निकाली बैठ मास्टर कॉपी पे, अब इस मास्टर कॉपी को ऑफसेट मशीन में लगाओ, प्लेट बना करके उसे प्रिंट कर लो। तो पांच काम किए जाते हैं। पहला काम आपका हो गया चित्र बनाना, दूसरे में पेज को डिजाइन करना, पेज का आकार सेट कर लेना, तीसरे में पेज को टाइप करना, चौथे में उसको प्रिंट करना, और छठवें में हम कह और पांचवें में कह सकते हैं कि पूरी तरीके से प्रूफ रीडिंग करने के बाद, संतुष्ट होने के बाद अंतिम पेज पर प्रिंट करना, यानी कि मास्टर कॉपी प्राप्त करना। और मास्टर कॉपी से बाद में क्या करते हैं, अंतिम रूप में हम ऑफसेट मशीन में लगाएंगे और उसके डॉक्यूमेंट होंगे उन्हें अपन प्रिंट कर लेंगे। तो ये तो होगा आपके सारे के सारे डीटीपी में उपयोग होने वाले चरण कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि डीटीपी में उपयोग होने वाले चरण कौन कौन से हैं, तो आपको ये स्टेप्स लिखने हैं। यूज ऑफ डीटीपी नहीं, आपको लिखना है कि डीटीपी में उपयोग होने वाले कौन कौन से चरण हैं, तो आपको ये टॉपिक लिखना है, और लिखने के बाद आपका ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, आपको ये नंबर भी अच्छे से मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय, लोग मत करते रहिए।